अस्सलाम वालेकुम, आज उम्मा चैरिटी की टीम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है। आज हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जो अर्थक्वेक आया रिसेंटली 2 दिन पहले जो अर्थक्वेक आया था उसका सर्वे किया जा रहा है, लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों को बेसिक नीड किस चीज़ की है। आप ये जमीन, ये सारी जमीनें हैं, हर घर की यही हाल है, कमरे इनके सारे खत्म हो चुके हैं और ये बैठ गए नीचे, सारे के सारे कमरे बैठे हुए हैं नीचे और इस तरह से ये रोड फटे हुए हैं इनके सारे के सारे। इधर कोई पानी नहीं है, मकान सब खत्म हो गए और बंद हो गए ना, और बंद हो गए जर्जरे नाल। असंगी पानी नहीं जरूरत है, ठीक है, खान पीने नहीं जरूरत है, ठीक है। अंग कलियाल का इलाका है जहाँ पे परसों अर्थक्वेक आया है और 4 सेकंड का ही अर्थक्वेक था, उसके बाद पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। एक मदरसे है, हम पीछे आपको दिखा रहे हैं, इधर बच्चे पढ़ रहे थे, काफ़ी बच्चे जख्मी हुए हैं। सामने घर है, वहाँ पे एक बच्चा खेल रहा था, 2 साल का बच्चा, वो घर वाले चाय पी रहे थे, उस टाइम पर पूरी छत उनके ऊपर आके गिरी है। तो अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, टेंट के थ्रू दे रहे हैं, पक्का हुआ खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, राशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन देने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी अब सबसे अपील है कि क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ तआवुन करें ताकि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। ट्रक जो है वो लोड कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें फूड पैक है, वाटर है, ब्लैंकेट है और खेमे हैं, टेंट है, इमरजेंसी टेंट है, और हम इस वक्त तक जा रहे हैं जो जल्जला जदगान लोग हैं मुतासरी उनकी मदद करने के लिए। तो आप सब हजरात से दुआओं की गुजारिश है और इस वक्त मैं फील्ड के अंदर मौजूद हूँ और जहाँ जिस इलाके में जल्जला है आप देख सकते हैं, उस तरफ के लिए पहाड़ी इलाका है। चैरिटी इंटरनेशनल आप हजरात के तआवुन से और सपोर्ट से माशाल्लाह आज यहाँ तक पहुँची है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं कोई आफत आती है, कोई आजमाइश आती है, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल ग्राउंड पर मौजूद होती है और फील्ड के अंदर काम करती है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। एरिया है तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैंकेट की, खेमों की और फूड पैक की, वाटर की, वो हम कर रहे हैं। तो जब मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा देखें आप लोगों को दिखाएं कि इस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल है, बेचारे के लिए बड़ा मुश्किल है ये क्रॉस करना। तो गांव में पहुंचे हैं, समाल शरीफ गांव है और ये काफ़ी अफेक्टेड था। तो हमने जो ऊपर के पहाड़ों में या अंदर के बारियों में लोग रहते थे उनको यहाँ जमा किया है। तो मेरी बस आप हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अल्लाह ताला आप हजरात को बढ़ चढ़ता आप जलजला आया है। मैं इस वक्त वहाँ पे हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है। ये मेन रोड थी, ये मेन रोड जो है वो सारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, गिर चुकी है। तो ये नहर है, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं नहर, ये पूरा एरिया है। तो अभी हमारी जो टीम है हम जा रहे हैं इस वक्त वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारी पूरी ट्रक है आप देख रहे हैं पीछे। और दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करें और अल्लाह ताला जो है इनके लिए आसानी का मौका फरमाए। तो आपसे बस दुआओं की गुजारिश है और आपसे गुजारिश ये है कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। अर्थक्वेक के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है अंदर अंदर गाँव में, जहाँ तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। तो हमारी कोशिश है कि हम उन इलाकों तक पहुँचें।
तो आपसे मेरी गुजारिश ये है नाज़रीन कि बढ़ चढ़ कर आपने नेशन हॉटलाइन पे कॉल करनी है 0208-903-8944 पे, और अर्थक्वेक का जो हमारा आपने स्पेशल ये प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके अंदर आप दिल खोल कर एहतियात दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें।